आई एवरी वर्न अवे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू सो टूडे वी आर गोइंग टू डू लैंग्वेज वर्क एंड इसमें हमने क्या करना है एनाग्राम्स करना है ठीक है तो सबसे पहले जानते हैं कि एनाग्राम्स क्या होता है एनाग्राम्स एक दिए हुए वर्ड को रीअरेंज करके कोई दूसरा वर्ड जो है फॉर्म करना उसको एनाग्राम कहते हैं ठीक है uh, तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएँगे आप लोगों को समझ आ जाएंगे ठीक है तो रीड द वर्ड्स गिविन ग्लो दे हैव बीन टेकन फ्राम दिस स्टोरी यू हैव जस्ट रीड नीचे कुछ दिए हुए वर्ड्स है जिसको हमने अभी जस्ट स्टोरी जो है एक्टली कंप्लीट किया है वहाँ से लिया हुआ है ठीक है इफ़ यू लुक केयरफुली द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड कैन बी री अरेंज टू फॉर्म अनदर वर्ड ठीक है तो आप पहले वर्ड्स को अच्छे से देख लीजिए फर्स्ट वन है रिजिस्ट फिर है सेटन गार्डन साइन स्पीक वर्ड्स रजिस्ट रजिस्ट का मतलब होता है रोकना या फिर मज़ात करना ठीक है और सेटिन uh, सैटिन उन कपड़ों को कहा जाता है जिनके सरफेस जो है क्या होता है स्मूथ और शाइनी टाइप के होते हैं तो उन्हें सैटिन कहा जाता है गार्डन आप लोगों को पता है ठीक है साइन यानी कि दस्तखत करना स्पीक मतलब बोलना वर्ड्स हो गया लफ्ज़ या अल्फाज तो इनको आप अच्छे से याद रखो और आगे देखो अगर आप इन वर्ड्स को केयरफुली देखोगे के, तो आप इनको रीअरेंज जो है करके एक वर्ड से दूसरे वर्ड में इनको तब्दील कर सकते हो तो उसी चीज को जो है एनेग्राम्स कहते हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पे एग्जांपल्स हमको दिए हैं जैसे कि हम फर्स्ट वन लेते हैं रिजिस्ट ठीक है रिजिस्ट का हम सिस्टर ठीक है कर सकते हैं सेटन का हम स्टेन स्टेन हो गया दाग ओके गार्डन का हम डेंजर ओके इसके बाद था इसके बाद था हमारा साइन और साइन को हम आ, क्या कर सकते हैं रीअरेंज करके सिंक ठीक है गाना स्पीक बोलना और इसको हम पीक्स ठीक है पीक्स हो गया पहाड़ के सबसे टॉप वाले पोर्शन को पीक कहते हैं ठीक है चोटी भी इसको कहा जाता है वर्ड्स ठीक है वर्ड्स हो गया आपको पता है और इसको कहते हैं शॉर्ट तो वर्ड्स का हो जाएगा शॉर्ट ठीक है तो शॉर्ट जो है इसमें डब्ल्यू को यूजुअली जो है साइलेंट रखा जाता है जब इसको प्रनाउंस किया जाता है ठीक है यूजुअली डब्ल्यू साइलेंस रहता है और शॉर्ट का मतलब होता है कोई uh, जैसे हम कहते हैं ना तलवार इसको शॉर्ट कहते हैं ठीक है शॉर्ट तो यहाँ तक समझ आ गया आपको तो चलिए आगे बढ़ते हैं समटाइम्स अ वर्ड और अ फ्रेज कैन बी रीअरेंज टू फॉर्म एन अदर फ्रेज नेम एक्सेट्रा ठीक है फॉर एग्जाम्पल द वर्ड ऑर्केस्ट्रा कैन बी रीअरेंज टू फॉर्म कार्ट हॉर्स इंटरेस्टिंगली विलियम शेक्सपियर फॉर्म्स द एनाग्राम हियर मी एस आई विल स्पीक तो क्या होता है कभी कभी फ्रेज को या फिर किसी वर्ड को जो है रीअरेंज करके कोई दूसरा वर्ड या दूसरा फ्रेज जो है या फिर दूसरा नाम जो है बनाया जाता है ठीक है आ, जैसे कि ऑर्केस्ट्रा ओ आर सी एच ई -E एस टी आर ए ठीक है इसको ऑर्केस्ट्रा नहीं कहेंगे आपने प्रोनांसीशन जो है प्रोनांिएशन ऑर्केस्ट्रा ठीक है ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा ठीक है तो ऑर्केस्ट्रा का मीनिंग होता है क्लासिकल म्यूज़िक uh, गाने वाले म्यूजिशंस के ग्रुप को जो है यूजुअली ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है ठीक है जी तो आप इस वर्ड को ऑर्केस्ट्रा को रीअरेंज uh, करके आप कार्ड हॉर्स बना सकते हैं कार्ट क्या होता है रेडा हॉर्स हो गया घोड़ा ठीक है तो uh, जैसे टांगा नहीं होता है उसे कार्ड हॉर्स कहते हैं जैसे बुल्लो कार्ट ठीक है बुल लॉक कार्ड जो बुल के पीछे जो एक कार्ड यानी कि रेड़ा बांधा हुआ था, तो कार्ट था है तो उसको बुल लॉक कार्ड कहता है तो कार्ड यूजुअली इसको हम आ, गाड़ी भी कहते हैं टोकरी भी कहते हैं या फिर रेड़ा भी कहते हैं जब आप किसी बड़ी बॉल में जाओगे वहाँ पे आपको आ, कुछ अगर परचेज करना हो तो चीज़ों को जो है आपने एक आ, छोटे से रेड़े में डालना होता है तो उसको भी कार्ड कहा जाता है ठीक है तो इंटरेस्टिंगली विलियम शेक्सपियर ने जो है एनाग्राम फॉर्म किया है हियर मी एज आई विल स्पीक तो अब हमें क्या करना है फॉर्म एनाग्राम्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द क्ल्यूज गिविन इन द टेबल बिलो तो नीचे दिए हुए टेबल में जो क्ल्यू दिया है उनके हेल्प से हमने एनाग्राम्स जो है बनाने हैं ठीक है वर्ड एनाग्राम मीनिंग तो फर्स्ट वन है लूप्ड ठीक है और इसका हमने लिखना है पहले मीनिंग देख लेते हैं एंड इंटरेस्टिंग ब्रीड ऑफ डॉग यानी कि कुत्ते के एक खास नस्ल को ये कहा जाता है तो इसमें हमने लिखना है पूल ठीक है क्या लिखना है पोडल तो ये हो गया हमारा पुडल यानी कि डॉग का एक खास इंटेलिजेंट ब्रीड यानी कि नस्ल को कहा जाता है ठीक है तो नेक्स्ट वन है स्कूल मास्टर और इसमें हमने क्या करना है स्कूल मास्टर में स्कूल मास्टर में हमने करना है द्लस द क्लास रूम Where lessons are taught, पे जो है पढ़ाया जाता है तो द क्लासरूम ठीक है द क्लास रूम उसके बाद है लेसन ले क्या आएगा मेकिंग नो साउंड मेकिंग नो साउंड मीन साइलेंट ठीक है जी इसका हो गया साइलेंट खामोशी ओके उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैरिट मैरिट का यहां पर क्या है अ फैन बिग फैन बिग फैन जो कहा जाता है ना ठीक है वो तो मैरिड का यहाँ पे आएगा एडमायर क्या आएगा एडमायर ए डी एम आई आर आई ई आर एडमायर फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है रेबीस रेबीस किसे कहा जाता है रेबीस आप uh, कुत्ते के या पागल कुत्ते के काटे जाने के वजह से जो जरासिम होता है उसकी वजह से जो आ, डिजीज होता है बनता है उसे रेबीज़ कहा जाता है ठीक है तो इनिशियली इसका कोई आ, क्या कहते हैं वैक्सीन कुछ नहीं था तो आ, फिर बाद में इसका वैक्सीन भी ईजाद हो गए थे ठीक है तो इसका यहाँ पे क्या आएंगे अ कंट्री इन साउथ ईस्ट यूरोप यहाँ पर बी आई ए सर्बिया ठीक है सर्बिया क्या होता है साउथ ईस्ट यूरोप का एक कंट्री है तो रियल फन रियल फन में क्या आएंगे आफ्टर किसी के जनाजे पे जो किया जाता है ठीक है या फिर मरने के बाद जो किया जाता है तो उसको तो फ्यूनरल कहा जाता है एन ई ओके फिर है रिटेन रिटेन मीन हो गया रखना कायम रखना या फिर महफूज रखना ये भी हम इसको कह सकते हैं ठीक है थेके? रिटेन तो इसका आप यहाँ पे क्या आएगा अ पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इंसानी आंखों का एक आ, पार्टिकुलर पार्ट को कहा जाता है तो यहाँ पे आएगा रेटिना ठीक है रेटिना ठीक है फिर लास्ट वन है चाम चाम हो गया आ, एक किस्म का क्वालिटी ठीक है या फिर इसे आप क्या कह सकते हैं या फिर इसे आप जादू भी कह सकते हैं मशहूर करना भी कह सकते हैं ठीक है तो शाम का क्या आएगा यहाँ पे शाम का आएगा मूवमेंट ऑफ सोल्जर्स यानी कि जो स्पाई लोग चलते हैं उनके जो चलने का ढंग होता है अंदाज होता है उसे क्या कहते हैं? सोल्जर के चलने के ढंग को मार्च कहते हैं ठीक है मार्च ठीक है जी तो आप लोग यहां से पैनडाउन कर लेना ओके और इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट हो जाता है और आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच